नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आज आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर क्या कहा आप सब खूब मन लगाकर गणित की पढ़ाई कर रहे हो अरे वाह आप लोग तो बहुत होशियार हो और क्या आप जानते हो कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना और घूमना फिरना भी कितना जरूरी है क्यों सही कहा ना मैंने दरअसल आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूं जी हाँ आज मैं आपको आनंदमय गणित के एक पाठ मेले के आनंद के बारे में बताऊंगी क्या आप लोग भी कभी मेले में गए हो आपको तो पता है कि मेले में कितना कुछ देखने को मिलता है वहां पर खाने पीने की कई सारी चीजें होती हैं रंग बिरंगे गुब्बारे भी होते हैं और वहां पर होते हैं अलग अलग तरह के गेम्स और विभिन्न प्रकार के झूले जिन पर बच्चों को झूलने में बहुत मजा आता है ये जो हमारी कहानी में लड़की है रूपल ये भी कुछ दिन पहले घर के पास एक मेले में गई थी रूपल वहां पर अपने मित्रों के साथ गई थी और उसने बहुत सारे झूले झूले रूपल की माँ ने उसे पचास रुपए दिए थे आज हम जानेंगे कि रूपल ने मेले में कहां कहां पर कितने पैसे खर्च किए और कितने बचाए तो रूपल ने मेले में कई तरह के झूले झूले अब आप देख सकते हैं हमारे सामने ये तीन अलग अलग तरह के झूले हैं और रूपल ने इन झूलों के लिए टिकट खरीदी अगर हम पहले झूले की बात करें तो उसके आगे हमें दिख रहा है दस रुपए का नोट क्या समझे इसका मतलब है कि रूपल ने इस झूले के लिए दस रुपए की टिकट खरीदी अब देखते हैं रेलगाड़ी वाला झूला चुक 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 चुक, चुक रेलगाड़ी और उसने इस झूले की टिकट पहले से ही खरीदी और टिकट कितने की थी टिकट थी बीस रुपए की चलो अब आगे बढ़ते हैं उस विशाल से झूले की ओर और।, और आपको पता है कि इस झूले की टिकट कितने की थी बताओ आप देख सकते हो कि आपके सामने दो सिक्के हैं एक सिक्का है दस रुपए का और दूसरा सिक्का है पांच रुपए का तो कि टिकट कितने की हुई? की। रूपल ने इस झूले के लिए पंद्रह रुपए की टिकट खरीदी अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि रूपल ने तो टिकट खरीद के झूलों का आनंद ले लिया और मैंने आपको कहा था कि रूपल की माँ ने रूपल को पचास रुपए दिए थे तो आप यह बताओ सबसे पहले कि रूपल ने कुल कितने पैसे खर्च किए इन झूलों पर चलो हिसाब लगाते हैं पहले झूले के लिए रूपल ने दस रुपए की टिकट खरीदी और दूसरे झूले के लिए रूपल ने बीस रुपए की टिकट खरीदी तो अगर हम 10 में 20 को जोड़े तो हमें क्या मिलता है तीस रुपये बिल्कुल सही यानी कि रूपल ने दो झूलों पर तीस रुपये खर्च कर दिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा झूला भी रूपल ने झूला और उसके लिए रूपल ने पंद्रह रुपये की टिकट खरीदी तीस में हमने पंद्रह जोड़े तो हमें मिला 45, यानी कि रूपल के कुल पैंतालीस रुपए झूलों पर खर्च हो गए अब हम आगे चलते हैं तो रूपल की माँ ने अगर रूपल को पचास रुपए दिए और रूपल ने कुल पैंतालीस रुपए झूलों पर खर्च कर दिए तो रूपल के पास कितने पैसे बचे बताओ आप ये कैसे बताओगे इसका उत्तर कैसे ढूंढोगे बहुत सरल है पचास में से 45 को अगर हम घटा दे तो हमारे पास कितने रुपए बचे हमारे पास बचे पांच रुपए तो रूपल के पास कितने पैसे बचे रूपल के पास बचे पांच रुपए बिल्कुल सही आओ जाने कैसे रूपल की माँ ने रूपल को कुल पचास रुपए दिए तो पहले रूपल ने दस रुपए का झूला झूला रूपल के पास अब कितने रुपए बचे पचास में से दस घटाओ तो बचे चालीस रूपल के पास बचे चालीस रुपए। फिर रूपल ने बीस रुपए का एक और झूला झूला अब रूपल के पास कितने रुपए बचे बताओ चालीस में से बीस घटाए तो रूपल के पास बचे बीस रुपए फिर रूपल का मन किया एक और झूला झूलने का तो रूपल ने पंद्रह रुपए का एक और झूला झूला अब रूपल ने बीस में से पंद्रह घटाए तो कितने बचे पाँच रुपये तो बच्चों इस तरह रूपल के पास कुल बचे पाँच रुपये प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि रूपल मेले में गई थी लेकिन रूपल मेले में अकेले नहीं गई थी अपने बहुत सारे मित्रों के साथ गई थी और रूपल के एक मित्र के पास पचास रुपये थे जी हाँ उसके मम्मी पापा ने उसे मेले में खर्चने के लिए पचास रुपये दिए और रूपल के मित्र ने मेले में खाया पिया झूले झूले और बहुत मजे किए और अंत में उसके पास बचे आठ रुपए तो चलो हम पता लगाते हैं कि रूपल के मित्र ने पैसे कहां कहां खर्च किए और कितने खर्च किए तो रूपल के मित्र ने हिसाब लगाना शुरू किया उसने कहा कि मेरे पास रुपए बचे हैं, जबकि मैं तो अपने घर से कुल पचास रुपए लेकर आया था उसने सोचा कि मैंने तो बीस रुपए का झूला झूला फिर मैंने बीस रुपए खाने पीने में भी खर्च किए अरे मैंने तो दो रुपए की टॉफी भी ली थी चलो अब मैं इन हिसाब लगाता हूं कि मैंने कितने खर्च किए तो उसने उसने हिसाब लगाया। का झूला झूला और बीस रुपए खाना खाने में खर्च किए तो बीस जमा बीस हुए चालीस उसके बाद उसने सोचा कि मैंने दो रुपए टॉफी पर भी तो खर्चे थे तो दो भी उसने जोड़ दिए चालीस में और हो गए कुल रुपए बयालीस अब पचास में से अगर हम बयालीस घटाएं तो हमें मिलता है आठ और रूपल के मित्र के पास कितने रुपए बचे हैं? आठ आप मुझे बताओ कि अगर आपके पिताजी आपको मेला देखने के लिए चालीस रुपए देते हैं और आपके पास मेला देखने के बाद पैसे खर्च करने के बाद सिर्फ तीन रुपए बचते हैं तो आप ये पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए बताइए तो इस कार्य को जरूर पूरा कीजिएगा अब समय है कुछ प्रश्न और उत्तर का तो चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं अगर इसके एक टिकट है बीस रुपए की और हमें चाहिए दो टिकटें तो बीस जमा बीस हम बीस को दो बार जमा करेंगे तो हमें मिलेगा चालीस तो यानी कि कुल धनराशि जो हमें चाहिए वो है चालीस रुपए चालीस रुपए की हम खरीदेंगे अच्छा सा झूला और इसकी टिकट है दस रुपए की पर कुल धनराशि खर्च हुई तीस रुपए यानी कि यहाँ पर हमें हिसाब लगाना है कि कुल कितनी टिकटें खरीदी गई जिन पर बच्चों ने खर्च किए तीस रुपये तो अगर एक टिकट है दस रुपए की तो फिर तीस रुपये कितनी टिकटों पर लगे हम करेंगे दस में दस जमा दो टिकटें हुई तो कितने हो गए बीस रुपये पर यहाँ पर तो तीस रुपये खर्च हुए हैं तो हम दस रुपए की एक और टिकट खरीदेंगे तो हिसाब कैसे हुआ दस जमा दस जमा दस और कुल हुई तीस। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर कुल टिकटें खरीदी गई हैं तीन बिल्कुल सही अब हम आगे चलते हैं रूपल की कहानी में हमने देखा कि उसने और उसके मित्रों ने मेले में अलग अलग मूल्य के नोट और सिक्कों का उपयोग किया मैं भी आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट लेकर आई हूँ जो कि अलग अलग मूल्य के हैं क्या आप इन्हें पहचानते हैं आपने इन नोटों को देखा है तो आज मैं आपको इन नोटों की पहचान बताऊंगी और आपसे पूछूंगी भी कि ये कौन सा नोट है और इसका मूल्य क्या है तो क्या आप तैयार हो इन नोटों की पहचान करने के लिए प्यारे बच्चों ये देखो ये मेरे हाथ में क्या है हल्का बैंगनी रंग का एक सुंदर सा नोट क्या आप इसे पहचानते हो चलो मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ रंग तो आपने देख लिया कितना प्यारा सा हल्का बैंगनी रंग है और इस नोट पर एक अंक लिखा हुआ है पढ़ो तो एक शून्य शून्य मतलब सौ सही पहचाना ये है सौ रुपए का नोट प्यारे बच्चों ये रहा एक दूसरा नोट देखो तो ये हल्के पीले रंग का नोट कितना सुंदर दिखता है इसका मूल्य सौ रुपए के नोट से ज्यादा है इस पर एक अंक लिखा है जरा पढ़ो तो इस पर लिखा है दो शून्य शून्य यानी कि दो सौ ये है दो सौ रुपए का नोट प्यारे बच्चों ये देखो मेरे हाथ में क्या है एक और नोट और इसका रंग क्या है इसका रंग है स्टोन ग्रे और आपको पता है कि ये एक बहुत बड़े मूल्य का नोट है जी हाँ सौ रुपए और दो सौ रुपए से भी बड़ा। इस पर इसका मूल्य लिखा हुआ है इस पर लिखा है पांच शून्य शून्य यानि कि अंक हुआ पांच सौ तो नोट का मूल्य क्या हुआ पांच सौ रुपए बिल्कुल सही पहचाना तो आपने ये नोट पहचान लिया है अब मैं इस नोट से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी आपको मुझे उसके उत्तर देने होंगे अब आपको मुझे ये बताना है कि इस पाँच सौ के नोट में 500 सौ कितनी बार लिखा है यानी कि अंकों में कितनी बार लिखा है और शब्दों में कितनी बार लिखा है ध्यान से नोट को देखना होगा गौर करना होगा और फिर आप मुझे इसका सही उत्तर दे सकते हैं चलो मैं भी आपके साथ गिनना शुरू करती हूँ तो बच्चों मैंने तो सही उत्तर का पता लगा लिया है पाँच सौ रुपए के नोट में शब्दों में पाँच सो बीस बार लिखा हुआ है और वहीं अंकों में दस बार आप लोग भी बहुत होशियार हैं चलो इसी बात पर एक और प्रश्न हो जाए इस नोट की दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को कभी देखा है कभी कभी मम्मी पापा के के साथ गए हो, या फिर कभी स्कूल के पिकनिक पर ये इमारत दिल्ली में है और 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस इमारत पर झंडा फहराते हैं तो बताओ ये इमारत कौन सी है ये इमारत है लाल किला तो प्यारे बच्चों आज तो हमने नोटों की पहचान की लेकिन अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अलग अलग तरह के सिक्के और आपको मैं उनकी पहचान करना सिखाऊंगी तो फिर हम आपसे जल्द मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हिसाब लगाने का अभ्यास करते रहना टाटा